तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। बहुत दिनों बाद ये ब्लॉगिंग हो रही है, और इसलिए हो रही है क्योंकि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि का आज अष्टमी है। तो अष्टमी के पर्व में मैं यहाँ पे आज आप लोगों को कुछ डांडिया, कुछ गरबा, ये सब होने जा रहा है शायद यहाँ पे इस ग्राउंड में। तो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि मैं भी खुद बहुत ये सब पहली बार देखने जा रहा हूँ। अब देख भी पाऊँगा कि नहीं, इतना टाइम है मेरे पास कि नहीं, बट देखते हैं क्या होता है। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है भी नहीं पता मेरे को, बट होप सो आवाज़ आ रही हो। और अच्छे से देखने रहोगा, दिखाता हूँ मैं आपको, वीडियो में बने रहो। दिस इज़ ऑल सेटअप, ये पूरा सेटअप है। मैं ये सब पहली बार देख रहा हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम ये सब कभी गरबा अरबा और डांडिया ये सब प्रोग्राम वगैरह कुछ नहीं देखा मैं कभी। थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, बट सच है ये। पीपल आर रेडी टू डू दिस डांस प्रोग्राम, और बहुत अच्छी बात है यार, डेकोरेशन और वो बीच में कमल का फूल जैसा क्या है, शानदार लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ़ोन में बात करते हुए लोग, और यहाँ नीचे बैठ के अपना एक्सरसाइज, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हुए लोग, और यहाँ सेल्फी लेते हुए लोग, सब रेडी हो रहे हैं अपने अपना काम करने के लिए, मतलब डांस करने के लिए। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, मम्मी पापा, सब साइज के लोग हैं यहाँ पे, सब करके दिखाएंगे गरबा। और उधर टीवी में भी चल रहा है प्रोग्राम, मतलब यहाँ धूम मचने वाला है, आज रंग जमने वाला है। देखने के लिए आप लोग तैयार रहिए, बस चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए। सेटअप और ये प्रोग्राम शुरू होता है, आइए हम मैं आप लोगों को माता रानी के दर्शन करवाता हूँ, क्योंकि इसमें लग रहा है मुझे टाइम लगेगा। तो आइए थोड़ा सा दर्शन करिए और मैं भी थोड़ा कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। ध्यानम पूर्णम अद्यचा महाकारिष्ये, छोड़ दीजिए। ओम जज्जागरतो दूरमुदेते दैवंत्र सुप्रसियात दैवेत दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकं तन्मे मनाय शिव संकल्पमस्तो संकल्प सिद्धिरस्तो। अक्षत लेकर पृथ्वी को स्पर्श करेंगे। ओम भूरस। कुछ देर पहले यहाँ कोई क्राउड नहीं था, पर अभी देख सकते हो कैसा क्राउड है, क्या माहौल है, खचा खच भर चुका है स्टेडियम, और शानदार मैच चलने वाला है यहाँ, और शायद मैच चल रहा है उधर, मैच मतलब गरबा एंड डांस एंड ऑल जो होता है नवरात्रि के पर्व में। तो आइए देखते हैं क्या चल रहा है। भीड़ कितना हो गया भाई यार, ये तो कुछ नहीं था, यही तो है जादू। वो देखिए कमल से निकली माता रानी, और यहाँ पे लेकर बहन जी पूरी एकदम गुस्सा चुकी है। मतलब 10 घंटे से मेकअप करके बेचारी खड़ी है, एकदम 10-20 किलो का लहंगा पहन के यहाँ पे शुरू भी कर रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन उसका इंट्रोडक्शन किए पड़े हैं। यार ये भी थक गई यार, हम भी थक गए, कब दिखाओगे यार, दिखा दो यार, यार परेशान हो गए यार 10 घंटे से। के बीच यहाँ पे रावण भी खड़े थे, सोच रहा है ये देखो कि साला कल परसों तक मुझे भी लोग जलाएंगे यार, तो टेंशन है इसको भी जलने का हर साल। और बहुत देर से मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लोग यहाँ बैठ के नीचे क्या देख रहे हैं यार, एक बार खड़े होके भी कुछ दिख रहा है, पर बैठ के क्या देख रहे हैं इतनी भीड़ में, समझ ही नहीं आ रहा, कुछ लॉजिक ही नहीं पता चल रहा है। बट हर चीज़ में लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए। और यहाँ पे भाई साहब को देख के ऐसा लगा कि यार मैं क्या ही वीडियो बना रहा हूँ, असली वीडियो तो ये बना रहा है यार, एकदम लग रहा है कि मोबाइल में घुस जाएगा यार, मतलब देखो ना आँख कितने पास स्क्रीन किया हुआ है, मतलब ऐसे क्यों कर रहा होगा यार ये, मतलब मैं भी ट्राई किया बट ऐसा हुआ नहीं मुझसे, बट चलो कुछ सोच के ही कर रहा होगा, उसका लॉजिक तो कुछ होगा ही। बट ये डांस यहाँ से भी अच्छा लग रहा है यार। मैं ये गरबा उरबा सब देख लिया क्या होता है, डांस कुदकना ये सब क्या है यार, ये सब चलो अच्छी बात है, इंटरटेन।
चाहिए, करते रहना चाहिए, एक्सरसाइज होता है, फिट रहता है, बढ़िया चीज़ है, बढ़िया। इसके बाद हमें हमारी फेवरेट चीज मिल गई और वो था खिचड़ा, भंडारा भंडारा। और दूसरा राउंड भंडारे का लेने का सोच के मैं अंदर आ गया और यहाँ देखा तो यहाँ भी गरबा का डांस चल रहा था, माता रानी के सामने परफॉर्मेंस चल रही थी, जय माता दी बोल के ये सब डांस वांस देख के मैं भंडारे की ओर फिर दोबारा दूसरा राउंड लेने के लिए जाने सोच ही रहा था कि सोचा इनका डांस ही देख लो, और छोटी सी बच्ची कितना अच्छा डांस कर रही थी, वाओ ब्यूटीफुल यार, जय माता दी। और दोबारा भंडारे के पास पहुंच गए यार, ले कैसे यार मुंह में पानी आ रहा है, पर ले ही लिए ये दूसरा राउंड भंडारे का, यूहू। और ये तीसरा है